आज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है गाइस, बिकॉज आप देख लो फोटो किसका है सो। और अगर आप पहचान लिए फोटो किसका है तो आप एक कमेंट करके बता देना कि ये फोटो किसका है। और चलिए अभी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपको ऐसा बनाया हुआ बैकग्राउंड मिल जाएगा, आपको सिंपली क्या करना है फोटो को यहाँ पर ऐड करना है। तो चलिए फोटो को ऐड कर लेते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे न्यू विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हमारा 1K फैमिली कंप्लीट होने वाला गाइस, और कंप्लीट करवा दोगे आई होप आप लोग। अभी आपको क्या करना है, टोज पर से क्लिक करना है, डबल स्पेस पर क्लिक करना है एंड ऐड फोटो पर क्लिक करना है। देन आपको इस वाले फोटो को ऐड कर लेना है। देन यहाँ पर आपको क्लिक करके इसका ऑपेसिटी फुल कर देना है, देन डन कर लेते हैं। अभी आपको यहाँ पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको व्यू एडिट दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, डबल एक्सपोजर पर क्लिक करके ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करना है। अभी कुछ ऐसे आपको दिखेगा, तो यहाँ पर आपको इन्वर्ट पर क्लिक करके ऐसे कुछ कर लेना है। अभी आपको सिंपली जूम कर लेना है ऐसे, और बिल्कुल अच्छे से इरेज कर लेना है पूरे फोटो को। तो मैं अभी कर लेता हूँ। तो आपको फोटो कुछ ऐसे करना है क्रॉप, और जैसे मैंने किया आप देख लो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्रॉप कर लिया मैंने। अभी आपको यहाँ से डन कर लेना है। अब डन करने के बाद सिंपली यहाँ पर एरो पे क्लिक करके बैक आ जाना है। अभी फोटो आपका कुछ ऐसा लग रहा है। अभी आपको कुछ और काम करना है यहाँ पर। अभी आपको सिंपली आना है टूल्स पर, देन अभी आपको फिर से आना है लेंस ब्लर पर, और अभी इसको क्या करना है आपको कर देना है बिल्कुल ऐसे, और साइड में कर लेना है इसका डॉट एंड इसका जो ब्लर स्ट्रेंथ बिल्कुल 30 रहने देना है, और इसका जो ट्रांजिशन कम कर देना है। देन यहाँ पर आपको विग्नेट स्ट्रेंथ को बिल्कुल कम कर देना है। देन आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है, देन व्यू एडिट्स पर क्लिक करना है, देन फिर से आपको लेंस ब्लर पर क्लिक करके ब्रश पर क्लिक करना है। अभी आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अभी आपको सिंपली कर देना है जूम ऐसे फोटो को, एंड इसका जो अमाउंट है बिल्कुल 50 कर लेना है, और ऐसे आपको ब्रश को अप्लाई करना है, इससे फेस स्मूथ हो जाएगा आपका। तो एक बार आप ट्राई करके देखना, आपका जो फेस है स्ट्रक्चर के साथ स्मूथ होता है, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो ये ट्रिक आप ट्राई करना, और ये ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी कुछ ऐसा हो चुका, अभी यहाँ पर आपको डन कर लेना है एंड बैक आ जाना है। अब देखिए बिफोर एंड आफ्टर कुछ ऐसा हमने कर लिया। अभी आपको फिर से टूल्स पर क्लिक करना है, देन आना ब्रश पे, देन आना इस बार आपको डोज एंड बर्न पे। अभी आपको डोज कर देना है 5, देन आपको इसे जूम कर लेना है बिल्कुल, और ऐसे डोज लगा लेने जहाँ मैं लगा रहा हूँ। एंड हाँ, आपका सनलाइट अगर आगे से पड़ रहा है तभी आपको ऐसे करना है, अदरवाइज इधर से सनलाइट पड़ रहा है उस एरिया में आपको ज़्यादातर डोज देना है। तो मैं अभी अच्छे से क्रिएट कर लेता हूँ डोज को। तो हमने अच्छे से डोज भी क्रिएट कर लिया। अभी आपको यहाँ पर देख लेना है बिफोर एंड आफ्टर कुछ ऐसा हमने इफेक्ट ऐड कर लिया। अब इससे क्या होगा, जो 3D डेप्थ फील होगा आपकी फोटो में, जो अच्छा लुक आ जाएगा, ठीक है, टेक्सचर के साथ। अब देखिए बिफोर एंड आफ्टर। अभी आपको क्या करना है, सिंपली आना फिर से टूल्स पर, फिर से आना है डबल एक्सपोजर पर एंड फिर से ऐड फोटो पर आना है। अभी आपको इस वाली इमेज को ऐड कर लेना है ऐसे कुछ, और इसको थोड़ा सा जूम ऐसे कुछ आपको पीच करके छोटा कर लेना है इसको। देन यहाँ से आपको क्या करना है, इसको कर देना है यहाँ पर क्लिक एंड इसको ऐड पर सेट करके बिल्कुल डन कर लेना है। अब इतना करने के बाद फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर से व्यू एडिट्स पर, फिर से डबल एक्सपोजर पर और ब्रश पर। अभी आपको क्या करना है, ऐसे करके अप्लाई करना है बिल्कुल, तो जहाँ जहाँ बस खाली एरिया वहीं पर आपको अप्लाई करना है, ज़्यादा नहीं कर लेना। कुछ ऐसे आपको अप्लाई करना है, देन यहाँ से डन कर लेते हैं। अभी देखिए फोटो कुछ ऐसा हमारा बन चुका है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको उसको कर लेना है शेयर। अब हमारा फोटो सेव हो चुका है गैलरी में। अभी आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहाँ पर आपको एक दिख जाएगा प्रेसेट का लिंक, लाइटरूम प्रेसेट, उस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। देन इस वाले प्रेसेट को कॉपी करना है, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, देन कॉपी सेटिंग्स पर क्लिक करना है और सेटिंग्स कर लेना है कॉपी। अभी यहाँ से बैक आते हैं, देन आपको जिस फोटो को आपने एडिट किया उसको ओपन कर लेना है, और अभी आपको फिर से 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट सेटिंग कर देना है एंड बूम गाइस, एक क्लिक में आपके फोटो का कलर ग्रेडिंग भी हो जाएगा कुछ ऐसा बिफोर एंड आफ्टर। एंड यहाँ से आप इसको इजीली सेव कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, एंड आपका फोटो अब रेडी है पोस्ट करने के लिए।